सो गाइस, दिस इज कमिल एंड यू आर वाचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाया कैसे आप वीडियो में अपनी फेस एंड स्किन को ग्लो कर सकती हो, फिर आप बोल सकते हो इंस्टाग्राम रील्स वीडियो पर आप स्किन ग्लो इफेक्ट कैसे कर सकते हो। तो इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखना और सीधे चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैं आज को अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर एक एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, तो इस एप्लीकेशन का नाम है बीटा वीडियो एडिटर। तो इसे आप डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसी वीडियो एडिटर एप्लीकेशन का यूज़ करके हम जो है अपनी वीडियो के अंदर मॉडल का फेस एंड स्किन को ग्लो करेंगे या स्मूथ करेंगे या फिर आप बोल सकते हो व्हाइट करेंगे। तो सबसे पहले हम बीटा वीडियो एडिटर को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली आप न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां से अपना वीडियो सिलेक्ट करेंगे। मैंने अपना वीडियो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको नीचे रॉक ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो आ जाएगा इस एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से आप अपना जो वीडियो उसको प्ले कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं और आपको एक ऑप्शन मिलता है मोर, आप इस पर क्लिक करेंगे। मोर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको फिल्टर नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ फिल्टर मिलता है जिनका नाम है इंडाइकिड 1, इंडाइकिड 2, इंडाइकिड 4। तो आप सबसे पहले यहाँ से इनको अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ से जो भी आपको अच्छा लगता है उसे अप्लाई कर लेना अपनी वीडियो पर। सो मैंने यहाँ से इंडाइकिड 2 अप्लाई किया अपनी वीडियो के हिसाब से, और आप इसका ओपेसिटी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इसका ओपेसिटी आप अपने हिसाब से रख लेना। सो मैं इसका जो ओपेसिटी है, जो अमाउंट है, इसका अराउंड 70% रखो। और यहाँ पर आपको और भी मिलता है, जैसे कि अगर आप 90s पर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर और भी मिलता है। आप यहाँ से इंटेकिट कोई भी अप्लाई कर सकते हो। मेरे हिसाब से आप यहाँ से 2 इफेक्ट को अप्लाई करना, ठीक है। जो इंटेकिट 2 मिलता है यह सबसे बेस्ट इफेक्ट है, तो आप इसे अप्लाई कर लेना। उसके बाद आप इसको सिंपली कर देंगे डन। डन करने के बाद अभी आपको आ जाना है एडजस्ट पर, और एडजस्ट पर आने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारा ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले आप यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को जो है थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, और उसके बाद आप सेचुरेशन को इंक्रीज़ करेंगे, सो 10 के अराउंड इंक्रीज़ कर लेना। और उसके बाद आपको मिलता है शेडो, आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। सो उसके बाद इसको कर देंगे डन, ठीक है। डन करने के बाद हमारी फेस पर इफेक्ट आ चुका है, मैं आपको दिखाया तो बिफोर। सो पहले हमारा जो वीडियो कुछ इस टाइप का था और अभी हमारा वीडियो कुछ ऐसा बन चुका है। सो यहाँ से मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप अपनी वीडियो के अंदर जो भी मॉडल रहता है उसके अंदर आप जो है फेस ग्लो इफेक्ट डाल सकते हो, फिर आप बोल सकते हो फेस एंड स्किन को आप स्मूथ कर सकते हो, बिल्कुल आईफोन जैसा कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको दिखा दिया। सो अभी हमें अपना जो वीडियो उसको सेव करना है, तो इसके लिए आप एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उससे पहले आप यहाँ से रेजोल्यूशन 1080p सिलेक्ट कर लेना, वरना आपका जो क्वालिटी वगैरह हो जाएगा। उसके बाद आप एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो वीडियो सीधा आपकी गैलरी पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।